Hello students, good morning. Today we are going to discuss quantity aptitude quiz for IBPS 6 February 2019 and this is the day 14. Today's topic is compound interest. The first question of the quiz: the difference between simple interest and compound interest of a certain sum of money at 20% per annum for 2 years is rupees 48. Then the sum is, hame sum find karna hai. So 2 saal ke liye compound interest and simple interest ke difference ka formula PR square upon 100 ka square hota hai, जहाँ पर सम और रेट दोनों ही सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए जब सेम हो तब ये फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं. सो CI एंड SI का जो डिफरेंस है वो हमें गिवन है 48. सो 48 इक्वल टू P हमें फाइंड करना है एंड R हमें रेट दिया हुआ है 20% एंड 100 × 100. यहाँ से हम P की वैल्यू निकाल लेते हैं, P स्क्वायर टू 1200, 1200 रुपीज़ सम हमारा आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर B इज़ करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 इज कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ अ सम of money for 2 years at 4% per annum is rupees 2448. Simple interest of the same sum of money at the same rate of interest for 2 years will be. Compound interest ka hamein find hai, hamein simple interest ka same rate interest par kitna sum milega, kitna sum hai wo hamein find karna hai. So hamein given a compound interest ka. सो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू P, जो फॉर्मूला होता है 1 + R/100 एंड माइनस P. सो CI हमें गिवन है 2448, 2448 इक्वल टू P हमें फाइंड करना है अभी. सो 1 + R 4% 4/100 एंड टाइम्स होता है 2 ईयर माइनस हम P, या हम ऐसा करते हैं P को कॉमन ले लेते हैं -1. सो 2448 इक्वल टू P, यहाँ से 25 हो जाएगा एंड इसको LCM ले लेते हैं तो 26/25 × 26/25 -1. 2448 is equal to P 26 × 26 = 676 minus 625, ऐसे 676 − 25² = 625/625. इसको सॉल्व किया, सबट्रैक्ट किया तो 676 − 625 = 1 and 5/625. यहाँ से इसको सॉल्व किया 48 टाइम्स जाएगा इसको, ये यहाँ से P की वैल्यू 625 × 48, P की वैल्यू यहाँ से आ गई 30,000. अब हमें फाइंड क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ द सेम सम, हमें सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है. सो P हमें फाइंड हो गया तो हम यहाँ से SI स्क्वायर टू PRT लगा देते हैं, PRT/100. SI हमें फाइंड करना है, P हमें फाइंड हो गया 30,000 एंड R सेम रेट पर है, सेम रेट यानी कि 4% एंड 2 ईयर्स के लिए. ऐसा ही हो जाएगा 4 × 8 = 3 = 2400 रुपीज़, सिंपल इंटरेस्ट 2400 रुपीज़. सो ऑप्शन नंबर B इज़ करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 2. एंड अदर मेथड इज हमें गिवन है कंपाउंड इंटरेस्ट का,
कंपाउंड इंटरेस्ट हमें गिवन है 2448 टू ईयर्स के लिए, कंपाउंड इंटरेस्ट टू ईयर्स के लिए अगर हम निकालें, हम अगर लेट करते हैं जो हमारा प्रिंसिपल है वो है इतने रुपीज़ हैं 10,000 रुपीज़। सो CI फर्स्ट ईयर का एंड सेकेंड ईयर का, दो साल का निकालना है। फर्स्ट ईयर का 10,000 का 4% अगर निकालते हैं तो 10,000 का 4% 400, सेकेंड ईयर के लिए भी 400 हो जाएगा। अब इस CI पर इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट मिलता है, यानी 400 का 4% 16, यानी कि टोटल हमें CI कितना मिल गया यहाँ से 816। ये तो था जब हमने 10,000 वैल्यू लेट किया था, इसके अकॉर्डिंग हमारा इंटरेस्ट 816 आ रहा है, बट क्वेश्चन में गिवन है 2448, तो हम इसको इक्वल कर लेते हैं, बराबर कर लेते हैं 2448। हमें फाइंड क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है, बट हम पहले PM फाइंड कर लेते हैं यहाँ से। सो इक्वल टू 2448 अपॉन 816 इंटू 10,000, यहाँ से ये 3 times हो जाएगा, यानी कि पी की वैल्यू, या जो हमने ये लेट किया था पी था, सो पी की वैल्यू 30,000। अब 30,000 यहाँ से हमें फाइंड हो गया, एज इट इज़ हम SI यहाँ की तरह निकाल लेंगे यहाँ से। सो यहाँ से भी हम SI हमारा फाइंड हो जाएगा 2400 रुपीज़। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ द डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI अ सर्टेन अमाउंट एट द रेट्स 10% फॉर SI एंड 15% फॉर CI फॉर 2 years इज ₹980, फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल हमें फाइंड करना है। सो पहले हम बेसिक से चलते हैं, CI एंड SI 2 year का जो डिफरेंस है 980, यानी CI जो है फर्स्ट ईयर 1+15% पर है, 15/100 का होल स्क्वायर माइनस पी, एंड SI 10% पर है, यानी कि पी इंटू 10 2 years के लिए 100 इक्वल टू 980। हम अगर पी को पूरे से कॉमन ले लेते हैं, सो 1+ अगर हम इसको इसे डिवाइड करें तो 3/20, एलसीएम लेंगे तो 23/20, यानी कि 23/20 इंटू 23/20 -1 -20/100 इक्वल टू 980। यहाँ से 23 का स्क्वायर 529 एंड 20 का स्क्वायर 400, सो एलसीएम अगर ले लें 529 -400 माइनस, इधर भी 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 80/400 इक्वल टू 980। यहाँ से पी की वैल्यू अगर हम इसको पहले सेपरेट कर लेते हैं, 480 माइनस 529 माइनस 480 माइनस 480 यानी 49/400 इक्वल टू 980। 2 times जाएगा 20 times, यानी कि पी की वैल्यू यहाँ से आ गई 8,000 रुपीज़। सो फाइंड प्रिंसिपल में फाइंड करना था, सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 3। अनदर मेथड इज हम लेट कर लेते हैं जो प्रिंसिपल है हमारा 100 है, प्रिंसिपल 100 है, यानी SI अगर हम इस पर निकालते हैं तो 100 इंटू 10% 2 year के लिए 100 SI जो हो जाएगा 20 रुपीज़ आ जाएगा 2 साल का, एंड सेम एट एज इट इज़ CI के लिए 2 years के लिए फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट ईयर में CI कितना हो जाएगा 100 का 15% 15 एंड सेकेंड ईयर के लिए 100 का 15%। अब इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट यानी 15% का 15% 2.25 टोटल CI यहाँ से कितना आ गया 32.5 आ गया। अब CI एंड SI का डिफरेंस हमें गिवन है, यानी CI माइनस SI इक्वल टू 980,
यहाँ से हम सी आई हमें ये फाइंड है एंड एस आई ए हमें फाइंड है, यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट कर दें 2.25 माइनस 20 स्क्वल टू 980, डिफरेंस यहाँ से कितना हो गया है 12.25 स्क्वल टू 980। एंड हमने पी को लेट किया था 100, हम यहाँ से पी की वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी 100 की वैल्यू निकाल लेते हैं, 100 स्क्वल टू 980 अपॉन 12.25, पॉइंट हटा के अब 100 लगा लेते हैं एंड अनदर 100। यहाँ से अगर हम इसको 25 से डिवाइड करते हैं 4 टाइम्स एंड 4 and 9 एंड इसको भी डिवाइड करते हैं फर्दर 49 2 टाइम्स 20 टाइम्स, सो यहाँ से 100 की वैल्यू आ जाएगी, या हम इसको पी भी बोल सकते हैं, पी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 8000 रुपीज़, सो वी कैन से दैट द प्रिंसिपल इज 8000, सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज इफ़ द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर रुपीज फॉर 3 ईयर्स एट 10% पर एनम फॉर बोथ सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट बी रुपीज 1488 देन फाइंड द सम इन रुपी, हमें प्रिंसिपल फाइंड करना है। सो सी आई एंड एस आई का 3 ईयर्स का डिफरेंस का फॉर्मूला होता है सी आई माइनस एस आई इजक्वल टू पी आर स्क्वायर एंड 100 का क्यूब 300 प्लस आर, ये होता है फॉर्मूला सी आई एंड एस आई का फॉर 3 ईयर्स, फॉर 3 ईयर्स सी आई एंड एस आई का डिफरेंस हमें गिवेन है 1488 इजक्वल टू पी हमें फाइंड करना है, आर की वैल्यू हमें 10% के बना यानी कि 100, 10 का स्क्वायर 100, 100 का क्यूब एंड 300 प्लस आर 310, यहाँ से हम अगर 100 को डिवाइड कर देते हैं तो 1488 इक्वल टू पी अपॉन 100 का स्क्वायर इंटू 310, 310 31 4 टाइम्स जाएगा 48 टाइम्स जाएगा ये, एंड इसको हम अगर ऐसे लिख लें 100 इंटू 100, सो 0 से 0 यहाँ कैंसिल हो गया, सो पी की वैल्यू यहाँ से आ गई 4800 रुपीज़, सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 4। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% फॉर 3 ईयर्स ऑन डेट प्रिंसिपल विच इन 3 ईयर्स एट द रेट ऑफ 10% पर एनम गिव्स रुपीज 300 एज सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि एस आई हमें 300 मिलता है और प्रिंसिपल हमें फाइंड नहीं है, वही प्रिंसिपल एस आई पर लगा, सो पी पी हम लेट कर लेते हैं, पी 3 ईयर्स के लिए लगा है एंड 10% रेट है, सो पी की वैल्यू यहाँ से हम फाइंड करते हैं, पी की वैल्यू यहाँ से आ गई 1000 रुपीज़, अब ये जो पी हमें फाइंड हुआ है यही पी यही प्रिंसिपल जो है ये कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए लगा हुआ था, कितने साल के लिए 3 ईयर्स के लिए, सो सी आई फॉर 3 ईयर्स हम ऐसे कर लेते हैं 1, 2 and 3, फर्स्ट ईयर के लिए सी आई 1000 का 10% 100 फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में भी इतना एंड थर्ड ईयर में भी इतना, अब ये था इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पर मिलता है सेकेंड ईयर में, सो 100 का 10% 10 एंड 3 ईयर में इन सब का इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि 200 10 का 10% 21 सो 21 टोटल सी आई हमें कितना मिल गया यहाँ से
टोटल सी आई 300 300 प्लस 31 टोटल एस आई टोटल सी आई 331। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 5। इसको हम बेसिक से भी कर सकते हैं, पी हमें पी की वैल्यू हमें ऐसे फाइंड हो गई, सो हम डायरेक्ट सी आई का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, सी आई इज्क्वल टू 1000 एंड 1 प्लस रेट हमें 10% गिवन है, 10/100 3 इयर्स के लिए, 3 - 1 ये टोटल सी आई हो गया। यहाँ से सी आई हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं 1000 एंड 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10 यहाँ से हम जब यहाँ -1 तब बचेगा जब पूरे में से 1000 कॉमन लेंगे। सो ये हो गया। -1 यहाँ से सॉल्व करते हैं, 11 का स्क्वायर 121 एंड 11 का क्यूब 1331 माइनस यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं, सो अपॉन सॉल्व किया ये से ये कैंसिल हो गया, यानी कि सीधे डायरेक्टली हम बोल सकते हैं इसका डिफरेंस 331 सी आई 331 रुपीस। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 5। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, टू कस्टमर बोरोड द सेम अमाउंट ऑफ मनी, वन at CI and the other at SI. If after 2 years the interest payable by one was rupees 220 and by the other rupees 200. यहाँ पर respectively लिख लीजिए, यानी कि जो 220 है वो CI का and 200 SI का. Then what was the principal money lent to each one of them? So 2 year का SI 200, यानी SI is equal to PRT upon 100 का formula लगाते हैं, SI हमें given है 200, P हमें find करना है and R 2 years के लिए, R T 2 years के लिए and R भी हमें नहीं find है, तो हम let कर लेते हैं principal is P and rate is R 2PR upon 100। यहाँ से पी आर की वैल्यू आ गई 220 यानी एस आई 2 साल का एस आई एंड सी आई का डिफरेंस होता है पी आर स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर। सो हम यहाँ से अगर हम इसको ऐसे लिख लें पी आर अपॉन 100 इज्क्वल टू 100, सो ये हमें पी आर की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर दें, इंटू 100 यहाँ पर हम पी आर की वैल्यू यहाँ से पुट कर दें, सो 100 इज्क्वल टू आर अपॉन 100। सी आई एंड एस आई हमें गिवन है, यानी कि 220 -200 20 हो जाएगा, सो 20 यहाँ से R की वैल्यू रेट हमें फाइंड हो गया 20%, रेट हमें फाइंड हो गया 20%। अब हमें SI वाला फिर से हम फॉर्मूला लगा देते हैं पी आर टी अपॉन 100 200 एंड P हमें फाइंड करना है, R हमें फाइंड हो गया 2/100, सो P की वैल्यू 500 रुपीस, सो रेट इज इक्वल टू 20% एंड प्रिंसिपल इज 500 रुपीस। पूछा गया हमसे प्रिंसिपल हमें 500 रुपीस, सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर सेवन, उदय हैज डिपॉजिटेड सर्टेन अमाउंट इन द बैंक टू अर्न CI एट 10% पर एनम. द डिफरेंस ऑफ द इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट बिटवीन थर्ड एंड टू ईयर्स इज ₹1100. वॉट अमाउंट हैज उदय डिपॉजिटेड. उदय ने कितना अमाउंट डिपॉजिट किया था इनिशियल में. लेट कर लेते हैं पी. हमारा जो है पी ₹100. डिफरेंस ऑफ द इंटरेस्ट अमाउंट थर्ड एंड टू सेकेंड, यानी जो कंपाउंड इंटरेस्ट का तीसरे साल में और दूसरे साल का डिफरेंस में गिवन है, तो हम फर्स्ट सेकेंड एंड थ्री, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर. फर्स्ट ईयर में लेट हमने किया है पी प्रिंसिपल ₹100, तो हंड्रेड का टेन परसेंट टेन. अब 10 का 10% 1 एंड फिर पूरे का 21 का 10% 2.1. सो 2.1. अब क्वेश्चन में गिवन है सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर का डिफरेंस हमें गिवन है, तो अकॉर्डिंग टू दिस डिफरेंस क्या होगा, ये टोटल हो जाएगा 11 एंड 12.1. गिवन है सेकेंड थर्ड माइनस सेकेंड इक्वल टू 1100, तो थर्ड 12 माइनस 1 ये एंड माइनस 11 इक्वल टू इतना, इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा 1.1 इक्वल टू 1100. एंड यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल लो, 1 की वैल्यू आ जाएगी, इसको अगर हम 1 की वैल्यू इतनी आ गई. फाइंड क्या करना है, व्हाट अमाउंट हैज उदय डिपॉजिटेड. पी हमने 100 लेट किया था, सो 100 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 10000. सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 7. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 इज अ पर्सन टेक्स अ लोन ऑफ ₹200 एट 5% सिंपल इंटरेस्ट. He returns ₹100 at the end of 1 year. In order to clear his dues at the end of second year, he would pay. उसे second year में complete करने के लिए कितना वो pay करता है. 200 का loan लिया था उसने 5% पर. So एक साल में SI जो है 10%, एक साल का SI 10 रुपीज़ हो गया. यानी कि प्रिंसिपल इतना था एंड SI को ऐड कर दिया, तो टोटल 210 रुपीज़ हो गए. बट ईयर के लास्ट में 210 रुपीज़ उसको पे करना था, उसने पे कर दिया कितना 100 रुपीज़. पे कर दिया लास्ट जो है ईयर के लास्ट में, तो अब उसके पास कितना पेबल अमाउंट है 110 रुपीज़. वो ये नेक्स्ट ईयर के लिए चला जाएगा, बट प्रिंसिपल उसने 200 रुपीज़ लिया था जिसमें से 100 रुपये पे कर दिया उसने. अब रिमेनिंग प्रिंसिपल कितना है 100 रुपीज़ है. यहाँ पर CI पे हम लोग चल रहे हैं, SI पर होता तो हम इस पर कैलकुलेट करते, बट हम लोग यहाँ पर SI बोला गया है. सो SI हमारा 100 रुपीज़ अब रिमेनिंग बचा. सो 100 5% नेक्स्ट ईयर के लिए यानी दूसरे साल के लिए, 1 ईयर एंड 100 5 रुपीज़ देना पड़ेगा, और 110 रुपीज़ ये था, तो टोटल 110 रुपीज़ इक्वल टू 115 रुपीज़ पेबल अमाउंट है. ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 8.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9th. क्वेश्चन नंबर 9, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम एट 5% फॉर 9 months इज ₹10. ग्रेटर देन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एट द रेट 3% फॉर 14 months. वॉट इज द सम ऑफ इंटरेस्ट इन बोथ द केसेस, i.e. टोटल सम ऑफ इंटरेस्ट. लेट कर लेते हैं प्रिंसिपल ₹100. सो सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम 5% फॉर 9 months, यानी कि इसके लिए 5% ऑफ 9 months में सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 5% या 100 इंटू 5 इंटू 9, 45 SI. एंड वैसे तो 12th का डिवाइड करते हैं, बट 12th का डिवाइड इसलिए नहीं करेंगे, वो अभी आगे पता चलेगा, आगे समझ में आ जाएगा. एंड सेम सम 100 इंटू 14 इंटू 3 अपॉन 100. सो यहाँ से SI ₹42 हो गया. ₹42 ग्रेटर देन है, यानी कि इस वाले SI से एंड इसका सेपरेट करने पर ₹10 ग्रेटर हो जाता है. सो यहाँ से 3 = 10 एंड 1 = 10/3. पूछा गया है सम ऑफ इंटरेस्ट, सम ऑफ इंटरेस्ट 45 एंड 42, टोटल सम कितना हो गया यहाँ से 87. सो 10/3, 87 की वैल्यू पूछी गई है. सो 87 यहाँ से, यानी कि 87 की वैल्यू 290. सो आंसर हो जाएगा हमारा, यानी कि सम ऑफ इंटरेस्ट इज 290. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. अब यहाँ पर 12 का डिवाइड इसलिए नहीं किया था क्योंकि अगर डिवाइड करते तो यहाँ पर 112 आता अपॉन 12 में, यानी कि 12 इधर जाता. फिर 12 अगर इधर हम सॉल्व करने पर यहाँ पर जो 290 आया था, 290 का मल्टीपल 12 हो जाता, यानी कि ये जो निकलता ये पूरे ईयरली का सम ऑफ इंटरेस्ट हो जाता. हमें मंथली का निकालना है क्योंकि अकॉर्डिंग क्वेश्चन में मंथली दिया हुआ है, तो हमें 12 को डिवाइड करना पड़ता, तो वैसे भी हमारा 290 आंसर आ जाता. सो 12 को इसीलिए स्टार्टिंग में नहीं लिया था. बेसिक मेथड तो सॉल्व करते हैं उसको एक बार. लेट कर लेते हैं प्रिंसिपल 5% 9 months एंड 3% 14 months. 5% 9 months 100 इंटू 12 माइनस p इंटू 14 इंटू 3 अपॉन 100 इंटू 12, जो कि 10 के इक्वल हो जाएगा. यहाँ से p 45 माइनस 42 इक्वल टू 10 इंटू 100 इंटू 12 3p, या 3 से हम डायरेक्टली इसको डिवाइड कर देते हैं. सो 4 हो जाएगा यहाँ पर p स्क्वायर टू 4 ₹100. अब टोटल में प्रिंसिपल पता चल गया, सम ऑफ इंटरेस्ट में फाइंड करना है. 4000 इंटू यहाँ से 45, यानी 5 इंटू 9 45 अपॉन 100 इंटू 12 प्लस 4000 42, 14 इंटू 3 42 अपॉन 100 इंटू 12. इसको सॉल्व कर लेते हैं. फोर थ्री ज़ा 12 एंड 15 150 प्लस 4 थ्री ज़ा 12 एंड 2 120. वन फोर्टी
इन सबका सम 290 रुपीज़। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 9। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज अ सम ऑफ अमाउंट एट रुपीज एट आर परसेंट कंपाउंड इंटरेस्ट डबल्स इन थ्री ईयर्स इन 9 ईयर्स इट विल बी के टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल प्रिंसिपल। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, यानी कि 3 साल में वो डबल हो जा रहा है। 2p इक्वल टू डबल हो जाता है पी, इसलिए पी का 2p हो गया। सो 1 प्लस आर अपॉन 100, आर में गिवन नहीं है इसलिए आर को हमने आर ही एज इट इज नोट कर लिया। 3 ईयर में यानी कि क्या हो गया 1 क्यूब स्क्वायर टू 2। अब नेक्स्ट लाइन में के टाइम्स हो जाता है ओरिजिनल प्रिंसिपल का, ऐसे बोल देते हैं प्रिंसिपल का के टाइम्स हो जाता है पी के पी हो जाता है, यानी कि 1 plus R upon 100 in 9 years, तो यहाँ पर 9 ईयर इसको हम पी से पी कैंसिल कर दें, के इक्वल टू 1 plus R upon 100 ऐसे नोट कर सकते हैं। अब यहाँ से इसकी वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, के इक्वल टू 2 क्यूब, सो के की वैल्यू 8, के की वैल्यू 8 आ जाएगी। अनदर मेथड, अ सम ऑफ अमाउंट आर परसेंट कंपाउंड इंटरेस्ट डबल इन 3 ईयर्स, यानी कि 3 साल में डबल हो जाता है। पहले 1 था, 3 साल में डबल हो गया, फिर 3 साल में फिर डबल हो जाएगा, यानी कि 2 का 4 हो जाएगा। यहाँ 3 ईयर कंप्लीट, यहाँ 3 ईयर कंप्लीट, एंड फिर 4 का फिर डबल हो जाएगा, यानी कि 8 हो जाएगा, फिर 3 ईयर कंप्लीट। 3 plus 3 plus 3 टोटल 9 ईयर्स हो गए। क्वेश्चन में भी 9 ईयर्स का पूछा गया था, 9 ईयर्स में कितना हो जाएगा 8 टाइम्स। सो के की वैल्यू 8, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 10। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 इज 115% ऑफ 4880, यानी कि 4880 का पहले हम 100% निकालें, तो 4880, फिर 4880 का 10% निकालते हैं 488, एंड 4880 का 5% यानी हाफ 1/20 बोल सकते हैं उसको, तो 244 माइनस 1640 का 80%, 1640 का 80% 1312, एंड 1640 का 5% 82। ठीक है, अब हम यूनिट से डिजिट से 2 और 2 4 हो जाएगा, 4 को इधर हम लेस कर देते हैं, तो यानी कि यहाँ पर हम इसको बोल सकते हैं 240 एंड इधर क्या हो जाएगा 0 0 हो जाएगा 0 0। देन 80 इधर है, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 80 यहाँ से पूरा चला जाएगा, इधर क्या बचेगा 4800 एंड इधर क्या है 1310, 10 को हम इधर से हटा देते हैं, इधर कितना हो जाएगा 30 230, और इधर इतना। अब डायरेक्टली हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 3500 प्लस 488 एंड 230, यूनिट डिजिट 8 एंड 8 and 3 11, इसमें 11 8 आ रहा है और किसी में है नहीं, सो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 11। 6 5 आगे हम कर लेते हैं, 4 2 6 and 5 6 and 5 11 एंड 1 कैरी था, सो 12 and 3 and 4, सो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 15। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12
डायरेक्टली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3251 प्लस 587 प्लस 369 एंड माइनस 7 इज इक्वल टू एक्स। 3000 से 3000 हम लेस कर देते हैं डायरेक्ट, तो 251 ये हो जाएगा, 7 से 7 ये हटा देते हैं, पूरा ही ख़त्म, सीधे 580। यूनिट डिजिट ऐड कर लेते हैं 910, 9110 वन करी चला गया, 6 8 8 एंड 6 14 14 एंड 5 19, 19 एंड वन कैरी था 20, 00 यानी ये ऑप्शन और ये ऑप्शन हो सकता है 20 एंड 5 2 7 7 एंड 3 10 एंड 2 कैरी था 12। सो ऑप्शन नंबर ई इज़ करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। 9261 का क्यूब रूट कैसे निकालते हैं? 9261 का क्यूब रूट निकालना है, यानी कि हम लास्ट के 3 डिजिट के नीचे अंडर एंड कर लेते हैं, एंड 1 का क्यूब हमेशा 1 ही होता है, सो 1 लिख लिया। अब एक ऐसा क्यूब हम सर्च करते हैं जो 9 से लेस हो। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8 एंड 3 का क्यूब 27, तो 3 नहीं लेंगे हम, सीधे 21 ले लेंगे। 21 इंटू 7056 का अंडर रूट, हम ऐसा मल्टीपल ढूंढते हैं जिसकी यूनिट डिजिट पर 6 आ जाए, यानी कि 4 एंड 6 इधर का, रिमेनिंग के 2 डिजिट का हम ऐसा ढूंढते हैं कि 70 के आसी पास हो, यानी कि क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 एंड 9 का स्क्वायर 81, 8 एंड 9 के स्क्वायर में आ जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 एंड 9 का स्क्वायर 81, बट 70 जो है वो 8 के नियरेस्ट है, सो इसका अंडर रूट कितना हो जाएगा 84। 21 इंटू 84 इज इक्वल टू एक्स प्लस 89। अब 89 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 84 इंटू 20 1680 एंड 84 इज इक्वल टू एक्स प्लस 89। 89 और जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 89 में से 84 को, सो एक्स प्लस 5, सो सीधे 1675 एक्स की वैल्यू आ जाएगी। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 इज 18.6 इंटू 3, यानी 18 का 3 में मल्टीप्लाई करते हैं 54 एंड 0.6 इंटू 3 का मल्टीप्लाई 1.8 प्लस 7.2 माइनस 16.5 माइनस 21.7 को इधर ले आते हैं इक्वल टू एक्स। इसको सम किया 54 प्लस कितना हो गया 9 माइनस 16.5 माइनस 21.7 इक्वल टू एक्स। पॉइंट को ऐड कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 7 और 5 को ऐड करते हैं 12 हो जाएगा, यानी कि कैरी हम लेते हैं 10 में से 2 को ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.8 आ जाएगा, पॉइंट में 8 की वैल्यू आ जाएगी। ऑप्शन में एक ही ऑप्शन गिवन है जिसमें 0.8 की वैल्यू, सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 14। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 यूनिट डिजिट को ऐड कर लेते हैं, 5 5 and 3 8 8 and 5 13 13 and 4 17 17, 1 कैरी, 4 4 8 8 and 4 12 12 and 3 15, सो पॉइंट में 57, एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें पॉइंट 57 आ रहा है, सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 15। एंड दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस क्विज, इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, सो थैंक यू क्लास। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे डे 14 IBPS 2019 एग्जाम के लिए इंग्लिश लैंग्वेज क्विज। आज का जो हमारा क्विज है दैट इज बेस्ड ऑन वर्ड यूसेज, तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्विज। वर्ड यूसेज ये न्यू पैटर्न है जो एक दो साल से
बैंकिंग एग्जाम्स में फॉलो हो रहा है। ये न्यू टाइप के क्वेश्चंस हैं, आपको एक वर्ड दिया जाता है और आपको उस वर्ड के हिसाब से क्वेश्चन डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सा सेंटेंस करेक्ट है उसके यूसेज के हिसाब से, कि वो वर्ड यूज के हिसाब से कहाँ पर सही या इनअप्रोप्रिएटली या करेक्टली यूज हुआ है, आपको ये डिसाइड करना पड़ता है। आपको सेंटेंसेस गिवन होते हैं, आपको चूज करना है कि कहाँ पर वो सही तरीके से या गलत तरीके से यूज किया गया है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस। डायरेक्शंस 1 to 15। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस अ वर्ड हैज बीन यूज्ड इन सेंटेंसेस इन 3 different ways। चूज द ऑप्शन करस्पॉन्डिंग टू द सेंटेंस इन विच द यूसेज ऑफ द वर्ड इज इनकरेक्ट और इनअप्रोप्रिएट। तो यहाँ अगर हम डायरेक्शंस में बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, पहले तो आपको 3 different ways में उस 3 different sentences दे रखे हैं। अब या तो आपको 2 तरीके से क्वेश्चन दिया जाएगा, या तो वो आपको पूछेंगे करेक्टली इनअप्रोप्रिएट, मतलब 2 तरीके से आपको वर्ड यूसेज में आ सकता है, आइदर करेक्ट वे और इनकरेक्ट। मतलब या तो आपको 3 sentences में करेक्ट सेंटेंसेस यूसेज के हिसाब से बताने हैं या इनकरेक्ट बताने हैं। तो यहाँ पर हमने आपको इनकरेक्ट दे रखा है, तो आपको इनकरेक्ट बताना है, आपको इनकरेक्ट एज एन आंसर बताना है, ना कि करेक्ट। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है डायरेक्शंस पढ़ते वक्त कि एग्जामिनेशन में आपको करेक्ट पूछा गया है या इनकरेक्ट। तो ये चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है। कई बारी लोग करेक्ट ही पे टिक कर देते हैं और इनकरेक्ट पूछा जाता है कि इनकरेक्ट आपको बताना है। आंसर में ऑप्शंस दे रखे होते हैं कि इनकरेक्ट कौन सा है, इनकरेक्ट आपका आंसर होता है, ना कि करेक्ट। तो ये चीज बहुत ध्यान में रखनी है डायरेक्शंस में, इनकरेक्ट पूछा गया है या करेक्ट एज एन आंसर पूछा गया है, कहाँ यूसेज इनकरेक्ट है और कहाँ करेक्ट है। तो ये चीज ध्यान में रखनी है। प्रीमियम, क्वेश्चन नंबर 1 का जो वर्ड है दैट इज प्रीमियम, वर्ड दे रखा है प्रीमियम। पहले वर्ड है प्रीमियम, प्रीमियम का मीनिंग आएगा, प्रीमियम एक कॉमन वर्ड है, जब भी आप बैंक में जाएंगे कहीं भी जाएंगे तो प्रीमियम लोन या क्रेडिट के लिए यूज होता है। एन अमाउंट टू बी पेड फॉर अ कंट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस और सम एडेड टू एन ऑर्डिनरी प्राइस और चार्ज। तो इंश्योरेंस के लिए ये वर्ड यूज होता है, बहुत कॉमन वर्ड है, आप एड्स में पढ़ते हैं कभी भी इंश्योरेंस से रिलेटेड ये वर्ड हम पढ़ते हैं प्रीमियम। तो अगर हम देखें हमारे सेंटेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज पे अ प्रीमियम फॉर रिन्यूएबल एनर्जी। तो सेंटेंस नंबर 1 देखें तो यहाँ पर करेक्ट यूसेज है सी यू, करेक्ट यूसेज है वर्ड की, और इनकरेक्ट यूसेज को मैं आई एन यू से डिपिक्ट करूंगी। तो ये चीज ध्यान में रखना, करेक्ट सी यू इज करेक्ट यूसेज एंड इनकरेक्ट यूसेज इज आई एन यू। तो वुमेन्स सेकेंड, द वुमेन्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी वॉज कैंसल्ड आफ्टर शी गॉट टू पे हर प्रीमियम। तो यहाँ पर भी करेक्ट यूसेज है। द लिस्ट सर्व्स एज अ यूजफुल प्रीमियम ऑफ द इश्यूज टू कंसिडर। तो थर्ड में द लिस्ट सर्व्स एज अ यूजुअल यूजफुल प्रीमियम ऑफ द इश्यूज टू कंसिडर, यहाँ पर इनकरेक्ट यूसेज है वर्ड की। हमेशा ये चीज ध्यान में रखनी है कि वर्ड यूसेज क्वेश्चंस में ग्रामर कभी गलत नहीं होगी सेंटेंस की, हमेशा कॉन्टेक्स्ट गलत होगा। तो ग्रामर की हमें टेंशन नहीं लेनी है, सिर्फ कॉन्टेक्स्ट का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, हमें इनकरेक्ट पूछा है, तो अब हमने ये पता चल गया कि करेक्ट यूसेज 1 और 2 में है, तो थर्ड ही हमारा गलत है। तो सीधा हम थर्ड पे जाएंगे, दैट इज ओनली 3 इज आर आंसर। तो आंसर इज सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, हॉस्टाइल। हॉस्टाइल मतलब डेंजरस।
dangerous. The hostile environment of free trade talks between the two countries is expected to worsen due to the poor state of their economies. तो यहाँ पर हम देखें, first sentence में correct usage है. Since the millionaire does not have an heir, he is going to leave his hostile to his college alma mater. तो यहाँ पर incorrect usage है hostile का. Third, Lance always becomes hostile towards his boss after he has had a bit to drink. तो यहाँ पर again सही usage है. तो अब हम देख रहे हैं two में सीधा गलत है, तो सीधा हम जाएंगे B पे, only two. Answer is B. चलते हैं question number three में. Adjust बहुत ही common word है. To compromise या adjust, ढल जाना किसी चीज में, compromise. One, as my ski bindings are loose, I think I should adjust them before I go skiing again. तो यहाँ पर सही usage है, correct usage. I always adjust my rear view mirror before driving my car. यहाँ पर भी correct usage है. An old proverb states that we cannot direct the wind, but we can adjust the sails. इसमें भी correct usage है. तो इन तीनों sentences में कहीं भी correct, incorrect usage नहीं है. तो इसका मतलब है all are correct. Answer is E. Question number four, prevent. Prevent का मतलब है किसी चीज से हट जाना या resist करना, to resist something or someone. One, if he was trying to prevent her from escaping, he was doing a poor job of it. तो यहाँ पर करेक्ट यूसेज है. अल्बर्ट आइंस्टाइन वंस ऑब्जर्व दैट यू कैन नॉट प्रिवेंट एंड प्रिपेयर फॉर वॉर एट द सेम टाइम. यहाँ पर भी करेक्ट यूसेज है टू में. If you want to prevent tickets for the festival, you will need to bring $40 to the gate. यहाँ पर अगर हम देखें तो incorrect usage है. Prevent का कोई use नहीं आ रहा है sentence में. Prevent tickets for the festival का कोई use नहीं आ रहा है. तो ये incorrect usage है. Answer सीधा C हो जाएगा. Three. Answer is C. क्वेश्चन नंबर फाइव, एक्सेस मतलब इन एडिशन टू अ सर्टेन अमाउंट, मतलब ज्यादा, जो बोलते हैं ज्यादा क्वांटिटी. फर्स्ट, ही पेड अवे द एक्सेस ग्लू विद द रेजर ब्लेड. यहाँ सही यूसेज है, करेक्ट यूसेज है. इट इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑल पीपल टू हैव एक्सेस टू क्वालिटी मेडिकल केयर. या एक्सेस होना चाहिए था, एक्सेस गलत है. इनकरेक्ट यूसेज. ऑलमोस्ट हाफ ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन डू नॉट हैव एक्सेस टू सेफ क्लीनिंग ड्रिंकिंग वाटर. अगेन या एक्सेस होना चाहिए था, एक्सेस नहीं, तो इनकरेक्ट यूसेज. तो वन, टू और थ्री में इनकरेक्ट यूसेज है, तो अगेन डी में आए गए हम. टू और थ्री डायरेक्ट आंसर है. आंसर इज डी. क्वेश्चन नंबर सिक्स, emerged का मीनिंग होता है बिकम apparent या दिखना. बिकम apparent. वन, द होल टाउन हैज इमर्ज्ड वॉज इमर्ज्ड इन अ फेस्टिवल एटमोसफेयर. इमर्ज नहीं होगा यहाँ पर, इमर्ज apparent. यहाँ यूसेज गलत है इसका, तो इनकरेक्ट यूसेज है. वन में, द ऑक्टोपस इमर्ज फ्रॉम बिहाइंड द रॉक एंड फ्राइटन द डाइवर्स. यहाँ पर करेक्ट यूसेज है. द लीड गिटारिस्ट टैलेंट एज अ सिंगर इमर्ज व्हेन ही बिगन टू परफॉर्म सोलो इन बार्स अराउंड टाउन. यहाँ पर करेक्ट यूसेज है. तो वन में गलत है, तो सीधा ए पे आएंगे. आंसर इज ए. क्वेश्चन नंबर सेवन, राइस. राइस का वही, टू ग्रो.
The government has announced that taxes will rise by 2% next year. यहाँ सही है, टू इंक्रीज भी मीनिंग हो सकता है ना, यहाँ पर टू इंक्रीज आएगा या टू ग्रो. करेक्ट यूसेज है इधर, द सिटीजन्स ऑफ आर सिटी आर इंक्रीजिंगली कंसर्न अबाउट द राइज इन वायलेंट क्राइम्स. अगेन करेक्ट यूसेज है. इन रिहर्सिंग शेक्सपियर्स प्ले आई पजल्ड ओवर द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ हिज राइज इन प्रोज. यहाँ पर इनकरेक्ट यूसेज है. इनकरेक्ट यूसेज है, प्रोज के साथ मीनिंग नहीं बैठेगा इसका, तो इनकरेक्ट यूसेज है. आंसर इज थ्री, आंसर इज सी. क्वेश्चन नंबर एट, सिक्योर सिक्योर का मीनिंग है टू रिमेन सेफ और प्रोटेक्टेड. इसका मीनिंग आए, फर्स्ट शी इज नेवर जेलस बिकॉज शी फील्स टोटली सिक्योर इन हिज लव फॉर हर. यहाँ पर सही यूसेज है. माई डैड जॉइन द नेवी वेन ही वॉज यंग बिकॉज फॉर अ पर्सन हु हैड नॉट कम्प्लीटेड हाई स्कूल द मिलिटरी रिप्रेजेंटेड अ जॉब विद अ सिक्योर फ्यूचर. तो यहाँ भी सही यूसेज है. The threat of force is usually sufficient to secure the lawful conduct of most citizens. तो यहाँ पर भी सही यूसेज है, तो सब में सही यूसेज है इसका, तो ऑल आर करेक्ट. आंसर इज ई. चलते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन पे. रेट मतलब पेस, स्पीड किसी भी चीज की. द डिवोर्स रेट इन एशियन कंट्रीज हैज राइजन ड्रामेटिकली इन द लास्ट 10 ईयर्स. करेक्ट यूसेज है यहाँ पर. इन एन एयर रेट लास्ट नाइट द एनिमी एयरक्राफ्ट बॉम्ब द सिटी. यहाँ गलत है, इनकरेक्ट है. पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग अ रेट ऑन अ सिक्योर कंपाउंड. यहाँ भी इनकरेक्ट यूसेज है. तो टू एंड थ्री में तो सीधा आएंगे ई पर. आंसर इज ई. क्वेश्चन नंबर 10, रेलेवेंट. Relevant again, valid, appropriate. The Socialist Party was relevant to give political expression to the working class. यहाँ incorrect usage है. Marriage should be relevant on love. Again यहाँ incorrect usage है. कोई मीनिंग नहीं आ रहा है रेलेवेंट का. प्लीज इंश्योर दैट यू अटैच ऑल द रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स विद योर एप्लीकेशन. यहाँ पर करेक्ट यूसेज है. हमेशा बोलते हैं रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स विद योर एप्लीकेशन. तो आंसर इज 1 एंड 2. आंसर इज डी, 10 का डी है. क्वेश्चन नंबर 11, सुटेबल. सुटेबल मतलब टू बी एप्ट. Certain parts of the show have been toned down to make it suitable for a family audience. तो यहाँ ठीक है, correct usage है. As a loyal husband, Barry is very suitable to the needs of his wife, Drew. यहाँ पर भी correct usage है. मतलब सही होना suitable का मतलब. As a clothing designer, my suitable eye is very helpful in detecting subtle patterns that others would not notice.
यहाँ पर करेक्ट यूसेज है. वन में इसका इनकरेक्ट यूसेज होगा सुटेबल का, क्योंकि हम टोन डाउन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ इनकरेक्ट यूसेज होगा वन में. सीधा हम टू और थ्री पे आएंगे. आंसर इज डी. क्वेश्चन नंबर 12. इनवायलेट दिस कॉइन वॉज द ओनली पार्ट ऑफ हिज कलेक्शन. इनवायलेट का मतलब होता है नॉन वायलेंट. Or to be safe. One, this coin was the only part of his collection that was truly inviolate, left completely safe over the years by its plastic case. तो ये correct usage है. When a city-wide search is issued, no one is left inviolate. यहाँ भी सही है. सिक्योर्ड इन अ ग्लास डिस्प्ले केस द पेंटिंग वॉज केप्ट इनवायलेट. अगेन सही है. तो ऑल आर करेक्ट. आंसर इज ई. क्वेश्चन नंबर 13. सलन. सलन का मीनिंग होता है बैड टेम्पर्ड. बैड टेम्पर्ड और सल्की या गुस्से में रहना. द सलन क्रिमिनल रिफ्यूज्ड टू फॉलो द पुलिस ऑफिसर्स इंस्ट्रक्शंस. यहाँ पर भी सही है. इट वॉज सलन ऑफ यू टू शेयर योर फूड विद मी. यहाँ पर भी सही है. इफ माई फादर डज नॉट गेट हिज कॉफी ड्यूरिंग ब्रेकफस्ट ही बिकम्स अ वेरी सलन मैन. तो यहाँ पर भी सही है. इधर इनकरेक्ट यूसेज होगा टू में, बिकॉज सलन सलन ऑफ यू नहीं होगा. आंसर इज बी. आंसर इज बी. क्वेश्चन नंबर 4. पिशेबल. इसका मीनिंग होता है टू शो, टू डिजर्व पिटी या सिंपथी. फीलिंग सॉरी फॉर द पिटिएबल मैन स्प्लाइट द वेल्दी जेंटलमैन ऑफर टू हेल्प हिम गेट ऑन हिज फीट. तो यहाँ पर करेक्ट यूसेज है. ऑल्दो ऑल ऑफ द ग्रुप मेंबर्स हैड अ डिफरेंट स्ट्रगल द मदर हु लॉस्ट हर सन वाज द मोस्ट पिटिएबल. यहाँ पर भी सही यूसेज है. Their bodies and clothes were in a pitiable condition. यहाँ पर भी सही usage है. तो all are correct. Answer is E. Alacrity. Alacrity का मतलब होता है brisk and cheerful readiness. मतलब हमेशा चेयरफुल रहना, हर चीज को करने के लिए एनर्जेटिक रहना. आई एम अ ह्यूज एप्पल फैन एंड आई यूज लॉट्स ऑफ देयर प्रोडक्ट्स विद एलैक्टी. इट वाज यहाँ पर सही यूसेज है. इट वाज एन इंटरेस्टिंग चैलेंज एंड आई रिस्पॉन्डेड विद एलैक्टी. अगेन रेडीनेस दिखा रहे हैं. तो करेक्ट यूसेज है. द बॉय जम्पड अप एंड डाउन विद एलैक्टी एज ही इंच्ड क्लोजर टू द कैंडी स्टोर. अगेन यहाँ पर सही है. सब में सही है. तो आंसर इज डी. आंसर इज डी. तो गाइस ये था हमारा डिस्कशन क्वेश्चन डे 14 का फॉर आईबीपीएस 2019 एग्जाम. वर्ड यूसेज था आज का टॉपिक. थैंक यू. वेलकम टू बैंकर्स एट. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस रीजनिंग क्विज फॉर आईबीपीएस एग्जाम 2019 6 फरवरी. सो नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. डायरेक्शन 1 टू 5. स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो. Eight friends, that is BDFTUIS and K, are sitting in a single row and facing towards south direction. They like different laptops, that is
HCL, HP, Acer, Sony, Lenovo, Dell, Toshiba एंड कॉम्पैक्ट बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। जैसे कि आप सब देख रहे हो ये हमारी एक लीनियर बेस पजल है, सिंगल रो पजल है। इसके अंदर हमारे को 8 फ्रेंड्स गिवन है जो कि अलग अलग लैपटॉप यूज करते हैं। सो इसके बाद हमारे को कंडीशन गिवन है कि द वन हु लाइक सोनी लैपटॉप, द वन हु लाइक सोनी लैपटॉप सिट थर्ड लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स डेल। हमारी रो में सारे साउथ डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। जो सोनी वाला है वो थर्ड लेफ्ट बैठा है डेल से, तो डेल हमारा इस साइड आ जाएगा। और जो सोनी है इसके थर्ड लेफ्ट में आ जाएगा, तो फर्स्ट सेकंड देन थर्ड, तो यहाँ पे सोनी आ जाएगा। देन इसके बाद हमें इसमें गिवन है के सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ बी, जो के है वो इमीडिएट राइट ऑफ बी बैठ रहा है। एंड द वन हु लाइक्स एच पी सिट एट एक्सट्रीम एंड, जो एच पी है जो एच पी लाइक करता है वो एक्सट्रीम एंड पे बैठा है, या तो एक्सट्रीम लेफ्ट या एक्सट्रीम राइट पे बैठा होगा। एंड देर इज ओनली टू फ्रेंड सिट बिटवीन द वन हु लाइक्स एच पी एंड द वन हु लाइक्स डेल। एच पी और डेल के बीच में दो बैठ रहे हैं, तो एच पी इस साइड तो आ नहीं सकते क्योंकि जो 2% का गैप है वहाँ पे सोनी बैठता है। तो एच पी हमारा एक्सट्रीम राइट एंड पे बैठ रहा होगा, उनके बीच में 2% है, तो उनके बीच में जो 2% बैठ रहे होंगे, जो एक्सट्रीम राइट एंड पे बैठ रहे हैं वो हमारा एचपी लैपटॉप यूज कर रहा है। देन इसके बाद हमें गिवन है द वन हु लाइक्स लेनोवो लैपटॉप इज इमीडिएट नेबर ऑफ एफ, जो एफ का इमीडिएट नेबर होगा वो लेनोवो लैपटॉप यूज करता होगा। एंड के सिट सेकंड राइट ऑफ एस, जो के है वो सेकंड राइट ऑफ एस बैठा है, सेकंड राइट ऑफ एस बैठा है। Who is immediate neighbor of T? तो S एक neighbor है T का, T किसी भी side बैठ सकता है। Who likes Toshiba? And इसमें ये भी given है हमें जो T है वो Toshiba like करता है। Then इसके बाद हमें given है I sit second right of U, जो I है, I sit second right of U, who like Acer? तो U हमारा Acer laptop use करता है। And the one who like Acer सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक सोनी लैपटॉप। तो जैसे कि सोनी के इमीडिएट द वन हु लाइक एसर सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक सोनी लैपटॉप, तो सोनी के इमीडिएट लेफ्ट में तो जो एसर लाइक करता है वो हमारा यहाँ पे आ जाएगा, और एसर जो लाइक करता है वो है यू, यू और आई के बीच में 1% का गैप है, तो हमारा आई इस साइड आ जाएगा। देन इसके बाद हमें गिवन है आई सिट सेकेंड राइट ऑफ यू, द वन हु लाइक एसर सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक सोनी लैपटॉप। देन इसके बाद हमें गिवन है एस सिट्स थर्ड लेफ्ट ऑफ एस, जो एस है वो थर्ड लेफ्ट ऑफ एफ है, यानी 2% सिट कर रहे हैं। हु लाइक्स एच पी, तो हमारा एफ एच पी लाइक करता है, एच पी के ब्रांड का लैपटॉप यूज करता है। देन 2% के गैप में एस है, तो एस हमारा जो आ जाएगा वो डेल यूज करता होगा, तो ये हमारी कंडीशन फिट होगी। देन हमें इसमें गिवन था कि जो एस है एस का 1% छोड़ के बैठा है राइट में, तो के हमारा यहाँ आ जाएगा, और एस का वन ऑफ द नेबर टी है। अब देखो टी की 2 पोजीशन आ गई, टी तो या तो यहाँ भी हो सकता है या टी यहाँ भी हो सकता है, पर हमें इसमें गिवन था कि जो के है के और बी साथ साथ बैठ रहे हैं, तो बी यानी के साथ बी बैठेगा, तो टी के लिए हमारी एक ही पोजिशन बच जाएगी, तो टी हमारा एस के इमीजिएट लेफ्ट में बैठेगा। देन हमें इसमें पता है कि जो टी है वो तोशिबा ब्रांड का लैपटॉप यूज करता है, तो तोशिबा ब्रांड यहाँ आ जाएगा, और जो एफ है एफ हमारा लेनोवो ब्रांड का, एफ के जो 7 वाला है वो लेनोवो ब्रांड का लैपटॉप यूज करता है, तो हमारी ये वाली कंडीशन भी कैंसिल होगी। हमने पुट कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं और ये भी कर चुके हैं, तो हम देखें तो हमारी इसमें कंडीशन सारी पुट होगी। एंड देन हमारे अगर पर्सन देखे हम तो हमारे एक ही पर्सन रह गया इसके अंदर जो कि है डी, तो जो डी होगा वो सोनी ब्रांड का लैपटॉप यूज करता होगा। एंड इसमें हमें गिवन है द वन हु लाइक लेनोवो इज इमीडिएट नेबर ऑफ द वन हु लाइक HCL, तो लेनोवो के साथ में हमारा HCL आ जाएगा, और जो हमारा लास्ट पर्सन बचा आई वो जो लैपटॉप यूज करता होगा वो होगा कॉम्पैक ब्रांड का। तो हमारी पूरी सिटिंग अरेंजमेंट फाइनल हो रही है। अब देखते हैं इसमें हमारे क्वेश्चन क्या पूछे हैं। तो जो इस पजल पे हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा है उसमें हमारे पूछा है हु अमंग द फॉलोइंग लाइक्स लेनोवो लैपटॉप। जैसे कि हमारा जो फाइनल डायग्राम था उसमें जो लेनोवो लैपटॉप है
वो के लाइक कर के यूज करते हैं, तो जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ई के। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर सेकंड। हु अमंग द फॉलोइंग सिट एट एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। तो या तो एफ एक्सट्रीम एंड पे बैठ रहा है या यू बैठ रहा है। तो सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी एफ। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर थर्ड। हु अमंग द फॉलोइंग सिट सेकंड राइट ऑफ द वन हु लाइक कॉम्पैक्ट लैपटॉप। तो कॉम्पैक्ट के सेकंड राइट में पूछा है, तो कॉम्पैक्ट आई यूज करता है, तो कॉम्पैक्ट के सेकंड राइट में डेल जो कि एस यूज करता है, तो थर्ड का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एस। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर फोर्थ। हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन एस एंड डी। अगर हम अपना फाइनल डायग्राम देखें, अरेंजमेंट देखें, तो उसके अंदर हमें पता चल जाएगा जो एस और डी है उन दोनों के बीच में दो पर्सन सिट करें, दैट इज आई एंड टी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी टू। नाउ मूव टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पजल। बी लाइक्स विच लैपटॉप। तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, जो हमारी फाइनल अरेंजमेंट आई है उसमें हम देख के बताई देंगे कि जो बी है वो एस सी एल ब्रांड का लैपटॉप यूज करता हो। तो जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी एस सी एल। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर सिक्स। जो हमारा सिक्स क्वेश्चन है वो भी हमारा डायरेक्ट पजल बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें हमारे को इन अ फैमिली देर आर एट मेंबर्स, इसमें भी एट मेंबर्स गिवन है, आर ई एक्स बी वाई जे पी एंड ओ, हु आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल। जो सर्कुलर टेबल के अराउंड सिट कर रहे हैं एंड फेसिंग अपोजिट टू द सेंटर, यानी सेंटर आउटसाइड द सेंटर फेस कर रहे हैं। नाउ देर आर थ्री जनरेशन इन विच, हमारे तीन ही जनरेशन है, तीन जनरेशन है एंड दो मैरिड कपल है एंड ओनली टू फीमेल मेंबर्स आर देर, और दो ही इसमें फीमेल मेंबर है, बाकी सारे मेल है। देन इसमें हमें गिवन है बी इज मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ ओ। तो जो बी है वो मैटरनल ग्रैंडफादर है, यानी जो उसकी बेटी का जो बेटा होगा, बेटा या बेटी जो भी हो वो ओ है। बी मैरिड होगी, बी के जो डॉटर है वो मैरिड होगी। देन इसके बाद हमें गिवन है एंड सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ एक्स। तो जो हमारी इसके साथ साथ एक सिटिंग अरेंजमेंट भी बन रही है, अगर हम बी को भी कंसिडर करें तो इसे हम बाद में देखेंगे, पहले हम इसका फैमिली ट्री का जो भी, अगर हमारा पजल बेस्ड जिसमें कोई भी पजल है सर्कुलर पजल, उसमें ब्लड रिलेशन मिक्स हो, तो हम पहले अपना ब्लड रिलेशन फाइंड करना चाहते हैं कि अपने जो जो पर्सन है एट वो किससे क्या रिलेटेड है। तो ये बेस्ट वे होता है, इससे फिर हमारी सिटिंग अरेंजमेंट सर्कुलर पजल वाली ईजी हो जाती है। देन इसके बाद हमें गिवन है द डॉटर ऑफ बी सिट्स अपोजिट टू बी। बी के अपोजिट जो बैठ रही है वो बी की डॉटर है, देन उसके बाद इसमें गिवन है बी इज मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ ओ एंड सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ एक्स। तो एक्स हमारे यहाँ पे सिट करेगा। देन इसमें हमें गिवन है आर इज सन इन लॉ ऑफ पी। तो जो आर है वो सन इन लॉ ऑफ पी है, हु इज मदर ऑफ जे। जो पी है वो मदर ऑफ जे है। यानी पी मदर ऑफ जे, जे ये भी हो सकता है और जे एक और भी, पर इसके ब्रदर भी हो सकता है। देन हमें गिवन है ई इज ब्रदर ऑफ आर। जो ई है वो ब्रदर ऑफ आर है। हु इज फादर ऑफ ओ। तो जो आर है वो फादर ऑफ ओ है। अगर आर फादर ऑफ ओ है तो जो बी की जो डॉटर है उससे आर मैरिड हुआ, तो हम इसे कंबाइन कर सकते हैं। तो बी जो मैरिड होगा वो पी से मैरिड होगा, यानी बी फादर ऑफ हो जाएगा इसमें। देन इसके बाद हमें इसमें गिवन है ई इज पैटर्नल अंकल ऑफ एक्स। जो ई है वो पैटर्नल अंकल ऑफ एक्स है, तो यानी एक्स भी हमारा ओ कहीं कोई अंकल होगा, और ई एक्स का हमारा जेंडर में डिफाइन नहीं होगा। जो एक्स है उसके बाद हमें गिवन है एक्स इज ग्रैंडसन ऑफ पी। तो एक्स हमारा मेल हुआ, ग्रैंडसन है, और वो भी पी का, हाँ पी का ग्रैंडसन है। देन द ब्रदर ऑफ वाई इज जे।
जो वाई है, वाई का ब्रदर जे है, तो वाई सिस्टर ऑफ जे हो जाएगी। और इसमें हमारे को गिवन था कि ओनली दो ही फीमेल है, तो हमारा जे भी इसमें मेल हो जाएगा और इसमें ओ भी हमारा मेल हो जाएगा। तो हमारा इसके अंदर चार्ट बन जाएगा अपना 1 2 3 4 5 6 7 8, सारे पर्सन हमारे ब्लड रिलेशन चार्ट में फिक्स हो गए हैं। देन अब हम इस पे देखेंगे अब सर्कुलर अरेंजमेंट क्या गिवन है। तो सर्कुलर अरेंजमेंट में अगर हम गौर करें तो सर्कुलर अरेंजमेंट में हमारे को इसमें बात गिवन है कि बी के अपोजिट बी की डॉटर बैठ रही थी, तो बी की जो डॉटर है वो वाई है, तो बी के अपोजिट वाई सिट कर रही होगी। एंड ई सिट सेकेंड राइट ऑफ बी, ई है सेकेंड राइट ऑफ बी बैठ रही है। तो अगर ई सेकेंड राइट ऑफ, अगर ई सिट सेकेंड राइट ऑफ बी है, तो ई हमारा फर्स्ट सेकेंड, ई यहाँ पे सिट कर रहा होगा। देन इसके बाद हमें गिवन है एंड ई जो है अनमेरिड है, ये हमारी कंडीशन फुलफिल होगी, इसे अब साइड में कर देते हैं। इसके बाद जो हमारी कंडीशन बची, पी डज नॉट सिट एडजेसेंट टू हर एनी ग्रैंडसन, तो पी यानी इसमें देखो हर आ रहा है, तो पी इसमें फीमेल होगी जो हमारे को कंफर्म है। पी अपने ग्रैंडसन के आसपास नहीं बैठी, तो पी का ग्रैंडसन है ओ और एक्स ना। तो देखो जैसे ये एक्स है तो यहाँ पे भी पी नहीं बैठ सकता, बैठ सकती, और जो एक्स है तो पी हमारे इसमें यहाँ पे भी नहीं बैठ सकते। तो पी के लिए एक ही पोजीशन पे चाहिए, पी के इमीडिएट लेफ्ट में बैठ रहा होगा। देन इसके बाद हमें गिवन है आर इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ वाई, जो आर है वो इमीडिएट नेबर ऑफ वाई है। तो अब देख लो, तो आर तो या तो यहाँ बैठेगा या आर यहाँ पे बैठेगा, आर वाई की पोजीशन यहाँ पे इंटरचेंज होती रहेगी। देन इसके बाद हमें गिवन है वाई इज मदर ऑफ एक्स एंड बी हैज ओनली टू चिल्ड्रन, तो ये तो हमारे खाली ब्लड रिलेशन है। अब अगर हम सिटिंग की बात करें तो सिटिंग में जे इज मैटरनल अंकल ऑफ ओ, जो जे है वो मैटरनल अंकल ऑफ ओ है एंड सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वाई, जे इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वाई बैठ रहा है। जे अगर इमीडिएट राइट ऑफ वाई बैठ रहा है, अगर हम देखें हमने गलती कर दी थी, जो बी के अपोजिट हमारा जो फर्स्ट, अगर हम देखें एक बार जो जल्दी जल्दी में क्या देख लिया, तो बी के अपोजिट इसमें जो बैठ रहा था, अगर हम सिटिंग की खाली बात करें, हमारा ब्लड रिलेशन चार्ट तो बन गया था, तो अगर हम सिटिंग की बात करें द डॉटर ऑफ बी, तो बी की हमारी डॉटर थी वाई, तो यहाँ पे हमने गलती से एक्स ले लिया था वो, तो वाई हमारा यहाँ पे सिट करेगा। देन अब इसके बाद हमारे को गिवन था कि वो ग्रैंडसन जो ई है, ई सिट सेकेंड राइट ऑफ बी, ई सेकेंड राइट ऑफ बी हमने बिठा दिया, आर इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ वाई, या तो देखो आर यहाँ पे होगा या आर इसमें यहाँ पे होगा। देन इसमें गिवन है पी डज नॉट सिट एडजेसेंट टू हर ग्रैंडसन, तो पी यहाँ भी नहीं बैठ सकता और पी यहाँ भी नहीं बैठ सकता, तो पी के लिए एक ही पोजिशन है जो हमने राइट पी को सिट करा था। देन इसके बाद हमें गिवन है जे इज मैटरनल अंकल ऑफ ओ एंड सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वाई है, जे अगर इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वाई बैठेगा तो जे की पोजीशन ये हो जाएगी और आर की पोजीशन भी हमारी फिक्स हो जाएगी, तो जे यहाँ पे सिट करेगा और आर इस साइड सिट करेगा। देन जो हमारा लास्ट पर्सन बचा वो बचा ओ, तो ओ इसमें हमारा यहाँ पे सिट करेगा। सो अब देखते हैं इसके ऊपर हमारे को क्वेश्चन क्या पूछे, तो अब मूव करते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में वहां से पूछा है हु इज द फादर ऑफ एक्स। अगर हम देखें फादर ऑफ एक्स पूछा है वहां से इन्होंने, तो जो फादर ऑफ एक्स है, तो फादर ऑफ एक्स है हमारा आर, तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी आर। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर, नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में इन्होंने पूछा है हु अमंग द फॉलोइंग सिट सेकंड लेफ्ट ऑफ वाई मदर, तो सबसे पहले हम देखेंगे वाई की मदर कौन थी। वाई की अगर मदर की बात करें तो वाई की मदर है बी, तो बी के सेकंड लेफ्ट में, तो बी के सेकंड जो लेफ्ट में ओ सिट कर रहा है। वाई की मदर पी, पी के जो अगर हम सेकंड
लेफ्ट की बात करें तो पी के सेकंड लेफ्ट में हमारा एक्स सेट कर रहा है, तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए एक्स। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर एट। क्वेश्चन नंबर एट में इन्होंने हमारे से पूछा हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स अपोजिट टू ओ, ओ के अपोजिट कौन सिट कर रहा है, तो ओ के अपोजिट जो सिट कर रहा है वो है ई, तो ऑप्शन ई इसका राइट आंसर होगा। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर नाइन। क्वेश्चन नंबर नाइन में पूछा हाउ मेनी मेंबर्स सिट बिटवीन आर एंड ई व्हेन काउंटेड लेफ्ट टू आर। अगर देखो हम आर के लेफ्ट में देखें, तो आर के अगर हम लेफ्ट में देखें तो आर और ई के बीच में खाली जे और वाई सिट कर रहे हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा नाइन्थ क्वेश्चन का वो होगा ऑप्शन बी, ओनली टू मेंबर सिट बिटवीन आर एंड ई। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर टेन। क्वेश्चन नंबर टेन में इन्होंने हमसे पूछा है हु अमंग द फॉलोइंग इज फादर ऑफ जे। अगर हम जे की फादर की बात करें तो जे के जो फादर है वो था पी, बी पी जे की मदर थी एंड बी फादर ऑफ जे, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ई बी। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे इसमें पजल है देर आर एट पीपल दैट इज एम एन ओ पी क्यू आर एस एंड टी हु सिट अराउंड अ सर्कुलर टेबल एंड फेसिंग द फेसिंग टुवर्ड द सेंटर। तो ये हमारा ये भी सर्कुलर पजल है एट पर्सन वाली। इसके अंदर भी गिवन है कि जो एट पर्सन है वो सारे इनसाइड इनसाइड फेस कर रहे हैं। देन इसमें जो हमारी फर्स्ट कंडीशन गिवन है उसमें हमारे को गिवन है आर सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन, जो आर है वो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन सिट करता है। हु एक्चुअली सिट सेकंड राइट ऑफ एम, जो कि सेकंड राइट ऑफ एम है। तो यानी तीन पर्सन है तो एम इसमें यहाँ पे आ जाएगा। देन इसके बाद इसमें गिवन है हमारे को एस, एस फेस इज द वन, जो एस है एस फेस करता है, एस फेस द वन यानी तीन पर्सन बीच में बैठे एस और इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी, तो जो पी या तो यहाँ पे होगा या पी यहाँ पे होगा। तो अगर हम इसे देखे बना के तो जो एस है तो एस के अपोजिट एस फेसेस द वन हु सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वी, तो सारे हमारे इसमें टूवर्ड द सेंटर देख रहे हैं, ये लेफ्ट है ये राइट है। अगर जो अपोजिट है हु सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी बैठा है तो पी हमारा इसमें यहाँ पे सिट करेगा, एंड हमारा एम और आर इसमें साथ साथ सिट कर रहे होंगे। देन इसके बाद हमें गिवन है देयर इज वन पर्सन सिट बिटवीन पी एंड क्यू, तो या तो देखो क्यू यहाँ पे सिट करेगा या क्यू यहाँ पे सिट करेगा। देन हमें इसमें गिवन है टी इज नॉट नेबर ऑफ पी, तो टी यहाँ सिट नहीं कर सकता। एन सिट नियर टू एम, जो एन है वो नियर टू एम बैठ रहा होगा, तो ये तीन बंदे एक साथ बैठ रहे होंगे। अगर क्यू यहाँ पे आएगा तो तीन बंदों के लिए कहीं भी जगह नहीं इकट्ठे बैठने के लिए बचेगी, तो जो क्यू है क्यू की पोजिशन डिफाइन हो जाएगी, क्यू पी के इमीजिएट राइट में बैठ रहा होगा। There is one person sit between P and Q. तो Q यहाँ पे sit कर रहा होगा। Then T is not neighbor of P. जो T है वो P का neighbor नहीं है, तो T यहाँ भी नहीं बैठ सकता, यहाँ भी नहीं बैठ सकता, तो T के लिए ये तीन पोजिशन बच जाएंगी। NMR और जो NMR है वो या तो यहाँ तीन आएंगे या यहाँ तीन आएंगे। Then इसके बाद है N sit near to M and Q is neighbor of S. Q neighbor of S है, ये तो हमारे रिलेशन से आएगी, Q neighbor of S है। देन टी सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द लेफ्ट ऑफ एन, जो टी है जो जो कि टी होगा वो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एन बैठेगा। हु इज नॉट नेबर ऑफ पी, तो एन नेबर ऑफ पी नहीं है, तो यानी कि जो तो टी अगर यहाँ पे सिट करेगा तो टी नेबर ऑफ एन हो जाएगा, एन नेबर ऑफ एम हो जाएगा, एम नेबर ऑफ आर हो जाएगा। तो इसमें हमारी यही पोजीशन बचेगी, और जो लास्ट पर्सन हमारा बचेगा वो आ जाएगा इसमें हमारा, जो इसमें हमारा लास्ट पर्सन बचा
वो बचा ओ, तो ओ हमारा यहाँ पे सेट करेगा, तो ये हमारा फाइनल इसमें पॉसिबल कंडीशन इसकी बनेगी। अब देखते हैं इसके अंदर हमारे को क्वेश्चंस क्या पूछ रखे हैं। इसका कोई और पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी इसके अलावा। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में इन्होंने हमारे से पूछा है हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ क्यू। राइट ऑफ क्यू पूछा है, तो क्यू के इमीडिएट राइट हमारा एस सिट कर रहा है, तो ऑप्शन बी एस इसका राइट आंसर होगा। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 12। हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन टी एंड एम व्हेन काउंटेड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू एम। एम से अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखें तो एम और टी के बीच में एक ही पर्सन सिट कर रहा है, दैट इज एन। तो 12th का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वन। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 13। हु अमंग द फॉलोइंग फेसेस एन। तो अगर हम फाइनल अरेंजमेंट से देखें तो जो एन को फेस कर रहा है वो है ओ, तो ऑप्शन ई ओ इसका राइट आंसर होगा। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 14। इफ एम इज रिलेटेड टू टी, एम अगर रिलेटेड टू टी है एंड क्यू इज रिलेटेड टू पी, जो क्यू है वो रिलेटेड टू पी है, एम अगर देखे तो एम सेकंड राइट ऑफ टी है और क्यू भी सेकंड राइट ऑफ पी है, देन इसके बाद है हमारे को अरेंजमेंट तो बदल गई, देन पूछा है देन आर इज रिलेटेड टू हुम अमंग द फॉलोइंग। तो जो आर है, आर अगर सेकंड राइट पूछे तो आर जो सेकंड राइट है एन होगा, तो इसका जो आंसर होगा राइट आंसर होगा वो होगा एम टी के रिलेटेड है, क्यू इज रिलेटेड टू पी, तो इन्होंने पूछा देन हु इज रिलेटेड टू आर इज रिलेटेड टू हुम ऑफ द फॉलोइंग। तो जो आर है वो रिलेटेड टू होगा इसमें एन के, तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी एन। नाउ मूव टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पजल, जिसमें इन्होंने हमारे से पूछा हु अमंग द फॉलोइंग फेसेस द वन हु सिट सेकंड राइट ऑफ टी। तो सेकंड राइट ऑफ टी देखें पहले, तो सेकंड राइट ऑफ टी हमारा एम है, तो एम को कौन फेस कर रहा है, क्यू, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, दैट इज क्यू। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।